करी देखाड़वानो संकल्प। अगर औरत चाहे ना तो पूरी दुनिया बदल सकती है। बाड़कना सुवर्ण भविष्य नु सपनू सभी लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए ही करती हूँ। लाचारी नहीं खुमारी नी कहानी। प्रभु का दिया हुआ शरीर है, दोनों हाथ पैर ठीक ठाक है, भीख मांगने से अच्छा तो मैं ये काम कर सकती हूँ। कर्मना सिद्धांत ने समझावती अद्भुत कहानी। भगवान ने आज तक किसी को समय से पहले और उससे ज्यादा कुछ दिया ही नहीं। समझण शक्ति सहन शक्ति ने बधा सलाम करे तेवी कहानी। आपको ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है कि ये काम करने से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग के सोचने से आपसी घर गृहस्थी चलती नहीं है। आपे जमने सांभड़िया ए कोई मोटिवेशनल स्पीकर नथी, ए कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नथी, ए कोई कथाकार नथी, परंतु तेमनु जीवन एक प्रेरणादायी कथा थी कम नथी। एमनी जीवन गाथा करोड़ों लोगों ने प्रेरणा आपवामां सक्षम छे। आ जिंदा दिल महिलानुं नाम रचना सराटे छे, जे पोताना बाळक अने परिवारना समृद्ध जीवननी रचना माटे मेहनत करी रही छे। परिस्थितिओ सामे हार मानीने बेसी रहेवाना बदले तेमणे परिश्रमनो पथ पकड्यो। मूळ उत्तर प्रदेशना रचना बेन हाल राजकोटमां रहे छे अने ઝોમેટોમાં ફૂડ ડિલિવરીનું કામ કરે છે। એ પણ પોતાના 6 વર્ષના દીકરાને સાથે રાખીને। સંઘર્ષ તો તેઓ ખૂબ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એવી વાતો વાગોળવાના બદલે તેનો ઉકેલ પણ તેઓ જાતે જ કાઢી રહ્યા છે। જેમને કામ કરવું જ છે એમના માટે કઈ જ અશક્ય નથી। આત્મનિર્ભરતાનું આનાથી ઉત્તમ ઉદાહરણ બીજું શું હોઈ શકે? ઘર ચલાને કે લે એક કે ભરોસે હમ લોગ રહી નહીં સકતે। અભી કિતની મહેંગાઈ બઢી ગઈ, એક કે ભરોસે બે અગર રહેંગે તો અભી ઇસકા ભી ભવિષ્ય કે લે કુછ સેવિંગ કરની હો યા અપના ભી એક मतलब गुजारा करने के लिए एक पे भरोसे बैठ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने काम चालू किया है। એવું નથી કે રચના બેન ને આ કામમાં કોઈ સમસ્યાઓ નથી આવતી। તેઓ કહે છે કે શરૂઆતમાં તેઓ બાળકને સાથે રાખીને નાઈટ શિફ્ટમાં ફૂડ ડિલિવરીનું કામ કરતા હતા। રાતના 12 થી સવારના 5 વાગ્યા સુધી ફૂડ ડિલિવરી કરતા હતા, પરંતુ કોલકાતામાં બનેલી રેપની ઘટના બાદ તેમણે દિવસે ફૂડ ડિલિવરી કરવાનું શરૂ કર્યું। એક મહિલા તરીકે ફૂડ ડિલિવરીનું કામ કરવાનું હોય, બાળક સાથે હોય તો ખૂબ સમસ્યાઓ આવે છે। ઘણી વખત ફૂડ ડિલિવરી કરવા જાય ત્યારે માંગવાવાળા સમજીને લોકો દરવાજા ખોલતા પણ અચકાય છે। રચના બેન નો ઉદ્દેશ્ય માત્ર કમાણી નથી, પરંતુ બાળકની અંદર લાચારી ના નહીં પરંતુ મહેનત કરવાના સંસ્કાર ઉતરે એ પણ છે। પહેલે મેં રાત મે કામ કરતી થી 12 સે મોર્નિંગ તક એસે કુછ દિનો તક ચલા, લેકિન જબ સે મેને વો કોલકાતા કી ન્યૂઝ સુની થી તબ સે મેને બંધ કર લિયા। ઓર અભી મોર્નિંગ મે ઓર જૈસે ટાઈમ મિલતા અપને બચ્ચો કે સાથ લે લે કે મેં કામ કરતી હું। ऐसा नहीं है कि हमने यही काम क्यों चुना है, आप कोई भी काम कर सकते हो, सिर्फ आपके एक मन में एक विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो। नहीं तो क्या है, जेंट्स लेडीज़ को बोलते हैं कि आ तू ये काम नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। अगर औरत चाहे ना तो पूरी दुनिया बदल सकती है, सिर्फ उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे पति ने भी मुझे सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं। फिर भी अगर इसका भविष्य के लिए मैं एक बात बोलूं तो अपने सभी लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए ही करती हूं। लेकिन बच्चा है, मैं उसको कहीं पे छोड़ नहीं सकती रास्ते पे। मेरा अगर मेरी लाइफ मतलब एक स्टेबल नहीं हुई, लेकिन मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए तो ये काम कर सकती हूँ। प्रभु का दिया हुआ शरीर है, दोनों हाथ पैर ठीक ठाक है, भीख मांगने से अच्छा तो मैं ये काम कर सकती हूँ। मुझे देख देख के मेरे बच्चा भी सीख जाएगा कि मेहनत करना ज़रूरी है, कि ये नहीं कि बैठे बैठे कोई भी आपको देगा। आप थोड़ी सी ना थोड़ी सी आप काम कर सकते हो। और एक सर कि निश्चय कर लो एक मन में कि आपको क्या करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है। अगर आप तीनों चीज़ें आप जान लोगे ना तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। રચના બેન નું કહેવું છે કે મારું જીવન તો જે સ્થિતિ હતી એમાં પસાર થયું, પરંતુ મારા બાળકનું ભવિષ્ય સુધરે એ માટે તેમણે કમાણી કરવાનું વિચાર્યું, આસપાસમાં કામ શોધ્યું, પરંતુ બાળક સાથે જ હોવાથી કોઈએ કામ ના આપ્યું। કોઈ મોટા ઘરમાં ઘરકામ માંગવા જાય તો પણ બાળક વસ્તુઓની તોડફોડ કરશે તેવી આશંકાથી કોઈએ નોકરી ના આપી, પણ રચના બેને તો નિર્ધાર કરી જ લીધો હતો। બાઇક આવડતી નહોતી એટલે એ શીખ્યા, પતિનો પણ સાથ સહકાર મળ્યો અને ઝોમેટોમાં ફૂડ ડિલિવરી કરવાનું શરૂ કર્યું। આજે મહિને તેઓ 18,000 રૂપિયા જેટલી કમાણી કરી રહ્યા છે।
ऐसा नहीं है कि मैंने यही क्यों चालू किया है, कि इससे पहले भी मैंने 2-3 जगह पे जॉब के लिए ढूंढा, जॉब नहीं मिलती थी तो घर काम के लिए ढूंढा। एटलीस्ट मेरे बच्चे के साथ साथ मैं काम तो कर लूँ, लेकिन हर किसी ने मना ही किया कि आप बच्चे के साथ ये काम नहीं कर सकते। जो जहाँ भी जाती थी सब ने मना ही किया, और बड़े बड़े घर में जो जाती थी तो उन लोगों ने ही बोला कि बच्चा है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए घर में गाड़ी थी तो धीरे धीरे वही से गाड़ी चलाना सीखी और वही से हमने जोमैटो काम करना सीखी। जे महिलाओं समाज शुवातो करशे एवू विचारी ने काम करवानू टाळे छे एना माटे रचना बेन एक सुंदर संदेश आप्यो, जे सांभळीने तमने पण तेओने सलाम करवानू मन थशे। जो लोग बोलते हैं ना मैं कुछ कर नहीं सकती, दुनिया में काम नहीं है, काम ढूंढने जाती हूँ तो काम मिलता नहीं, मिलता है तो उसमें पैसे नहीं आते, पैसे मिलते तो आदमी मतलब वो जो आचरण है वो अच्छा नहीं होता। तो मेरा एक ही मानना है, आप कोई भी काम कर लीजिए, मतलब डिलीवरी जैसा, वो आपके मर्जी का होता है, आप कभी भी चालू करो कभी भी बंद करो, आपके ऊपर कोई भी मतलब ऐसा बॉस का दबाव नहीं है। और रही बात सीखने की सर, हर कोई बच्चा सीख के नहीं आता, आपको सीखना पड़ता है, सिखाने के लिए एक टीचर रहता है, वैसे भी इसमें भी वही है, वो सिखाते हैं वो बताते हैं, आप उसी तरह से काम करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है कि ये काम करने से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग के सोचने से आपसी घर गृहस्थी चलती नहीं है। लोग तो क्या आज बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 1 हफ्ता बोलेंगे, 1 महीना बोलेंगे, उसके बाद बोलना छोड़ देंगे। सर आपकी बाकी की ज़िंदगी आपको ही जीनी है। अगर लोगों के बारे में आप सोचते रहेंगे तो आप जहाँ थे आप वहीं पर रहेंगे। अगर आपको घोड़े की रेस में दौड़ना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, आपके मर्जी के खिलाफ भी हो सकता है, आपके लिए उसके लिए अपना मन बनाना पड़ेगा। सर हर कोई काम आपके हिसाब से या वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको खुद सीखना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बीजा ने प्रेरणा आपवा माटे, महिलाओं ने सशक्त बनावा माटे अने जीवन नो खरो संदेश आपती आ कहानी खरेखर अद्भुत छे। एवू जरूरी नथी के मोंघा मोंघा मोटिवेशनल स्पीकर ने सांभळो तो ज प्रेरणा मळे। अपनी आसपास नजर दौड़ावशो तो समृद्ध समाज में आवी अनेक रचना भगवाने सर्जेली छे।